Hey guys, welcome to today's vlog. तो 11 बज रही है और आज जिम की तो छुट्टी है, इसलिए मैं आराम से 10:30 तक सोया हूँ। प्रोटीन में रात को भर के तो बैठा था, पर पीना ही भूल गया और सो गया, नींद आ गई थी। और देखे घर पे क्या हो रहा है, मम्मी फिलहाल किचन में, पता नहीं क्यों, देखते हैं। मैंने तिल की पपड़ी बनाई है। तिल की पपड़ी? पापा के आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा तिल की पपड़ी। वैसे नहीं, क्यों नहीं, पूरी दुनिया में पता है, क्योंकि ये गुड़ तो खाते ही ठंड में, इसीलिए मैं तिल की पपड़ी सब खाते हैं, सिंधी वगैरह के अलावा सब सब टोटल। देखो भाई बहुत टेस्टी सी लग रही है, पर मैं मीठा नहीं खाऊंगा, सीधी बात है। थोड़ा बहुत मम्मी फिर भी मीठा नहीं खाऊंगा भाई, मीठा मैं नहीं खाता। अरे थोड़ा गुड़ का है, गुड़ खा रहा है। पापा बोल रहे हैं 12:30 से पहले आ जाएंगे, फिलहाल तो मैं शॉप जा रहा हूँ, यही बोल के मुझे शॉप भेज रहे हैं। तो 1.5 घंटा 1 घंटा दुकान पे बैठे होंगे, मुश्किल से 1 घंटा शॉप पे बैठा हूँ और पापा आ गए हैं। ठीक है पापा, अब जाऊँ मैं? जाऊँ नहीं मैं, ओके चाय पी लेता हूँ मैं जब तक। पापा अभी भी मुझे लग रहा है 1 घंटा और लगाएंगे कम से कम, मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ आधे घंटे में बोल रहे हैं, 1.5 घंटे में आ जाएंगे पर नहीं आएंगे। 11:30 बजे घर से निकले थे हम, नहीं 12 बजे निकले थे, और अभी टाइम हो गया है, अब कितना टाइम हो रहा भाई? अभी हो रहा है 2:00, 2:00, 2:15 होने वाली है, और पापा अभी तक शॉप पर आए नहीं है, बीच में 1 मिनट के लिए आए और फिर वापस चले गए, और अभी तो वेट ही कर रहे हैं, और भी काम कर रहे हैं यार, थोड़ा कंटेंट वंटेंट बनाना है, सब कुछ करना है, कुछ ही नहीं कर पाएंगे आज मेरे को लग रहा है। और पापा फिलहाल गाड़ी में अटके हुए हैं, पर आ तो गए दुकान तक। आ जाओ गाड़ी में अटक गए। चलो अब मैं घर निकलता हूँ। पापा अभी नया फोन पे पे पेमेंट करना सीख गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। पहले मैंने अपना लगा रखा था हर जगह QR, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ये चल रहा था ना, फेक वगैरह, पर अब पापा खुद ही पेमेंट करना सीख गए हैं, खुद ही पेमेंट करे जा रहे हैं सबको। मेरे को भी दे दो भाई थोड़े से पैसे, क्या ये पन्ना दे रहे। देखो सामने ही जस्ट घर है, कितना फायदा है मेरे को, जस्ट सामने घर है इसका। और हम घर पहुंच गए हैं, अभी खाना वगैरह खाऊं और आगे काम करूं। मम्मी खाना दो, मम्मी पहले किचन में बैठी है। अरे किचन में ना बैठो तो कहाँ बैठो? मम्मी जान पूछ के अब तैयार होकर बैठती है, बोले तो वीडियो बनाता है ना, सुबह से तैयार होकर बैठ जाती है, बोले तू जैसी तो अब मिला है खाना, बढ़िया सा खाना मिला है। देखो रायता बना है, साई भाजी बनी है, साई भाजी मेरी फेवरेट है, साई भाजी मतलब पालक की दाल, हाँ सिंधी में बोलते हैं हम। और एक और रायता दिया, दो रायते क्यों दिया मुझे? तो मेरे को फ्रिज समझ आए, फ्रिज में रखना था ज्यादा था। और ये रोटी यहाँ पे, अरे दोनों रायते क्यों ले गए? अरे भाई एक पड़ा, अच्छा एक पीछे पड़ा है क्या? ठीक है एक पड़ा ही है, मेरे को लगा दोनों रायते लेके। दोनों खाने तो खा ले। नहीं एक ही खाना है। एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं आपको। या भी यो। और भाई भी अपना खाना खा चुका है, खाना खाने घर पे आता है वैसे। और भाई टिफिन डाल दे यार, मैं एक हाथ से वीडियो बनाता ना, ये बंद नहीं हुआ। पकड़ तो मेरा पड़ोसी मिल गया जिसको मुझे ये देना था, कल आपको दिखा था ना मैंने व्लॉग में, तो चलो उससे भी आपको मिला लेते हैं इसी बहाने। ये रहा मेरे बस लेफ्ट में घर है, ले अंशु। देखो हमारा घर, और बाकी मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज। चलो भाई भेज दो, मैं निकल लो। 3:30 हो रही है और मम्मी ने अचानक से काम बोला है, मतलब मम्मी के साथ ही जाना है। यहाँ पे हम वॉलपेपर लगा रहे हैं क्योंकि ये इस पे पैचेस आते हैं, प्लस इस दीवार से अच्छा तो वॉलपेपर ही लगेगा मम्मी के हिसाब से, और मुझे भी ज़्यादा सही लग रहा है, ग्रे कलर का एक वॉलपेपर लगा देंगे बढ़िया सा, तो ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल लगेगा ये ओवरऑल एरिया। यहाँ से फिर सामान हटा देंगे थोड़ा सा। ठीक है चलते हैं, पूरी तैयार हो गई है और अपन तो लड़के हैं, देख लो तैयारी रहते शुरू से ही। अब गाड़ी कौन सी लेके चलनी है मम्मी? एज यू लाइक। गाड़ी बाइक लेके चलनी है कि एक्सेस लेके चलनी है? जल्दी बताओ। एज यू लाइक। बताओ भाई। बाइक लेके चले। चलो बाइक लेके चलते हैं। पहुंच गए देखो, और गोडाउन पे जा रहे हैं। कहाँ पर है गोडाउन? गोडाउन उधर है, गोडाउन पे तो है, पर यहाँ पर कुछ ज्यादा माल ही नहीं है, और अब वापस शॉप पर ही जा रहे हैं मेन, क्योंकि वहाँ पर सारा माल पड़ा है, वहाँ से फाइनल करेंगे क्या करना है। कौन सा? यहाँ पे शोरूम का नाम है सासू माँ, तो मम्मी इतने से बोल रही चाची जी का, यहाँ पे चाची मेरे ना क्या है चाची जी का,
यहाँ पे लिखा हुआ है सासू माँ, अरे ये तो सासू माँ का है। बोले अरे हाँ वही 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 आगे जगह पे जहाँ से था गाड़ी यहीं पे पड़ी अभी तक, यहीं पे ही कुछ ढूंढते हैं। अच्छा सर पूरी दुकान अलग और यहाँ पे अलग से बॉल पेपर रखे हैं इतनी सी जगह पर। और एक और दिखा दो, फिलहाल तो सही लग रहा है वैसे यार ये थोड़ा गोल्डन टच है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है पर इसमें लाइट शेड होता है ना, उसमें जो लकीर है इस तरीके का थोड़ा शेड हो प्लेन पर प्लास्टिक को सही लग रहा है ये। आप बताओ मैं आपको कैसा लग रहा है ये, कैसा लग रहा है? सही है, तेरे को अच्छा लग रहा है तब? बस बढ़िया। और फिलहाल हम टेबल कवर और देख रहे हैं, मम्मी और भी लाइट है वो दिख नहीं रहे, ये इधर है और ये इस दीवार पे आएगा देखो। बाकी मम्मी लाई थी वो थोड़ा और गोल्डनिश थे, ये थोड़ा सा गोल्डन तो है पर ग्रे गोल्डन जैसा कुछ है मिक्सअप। वॉच मेरी चार्जिंग पे लगा देती क्योंकि टाइम दिखाने में इजी रहती है फिर। अरे यार अभी भी चार्ज नहीं हुई पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा मैंने गलत तरीके से लटका रखी थी ना इसलिए नहीं हुई, तो मैं इस डब्बे पर रख देता हूँ इसको, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो हो जाएगी देखें। और आंटी आई हैं अब चाय वाय बना के देंगी। हाँ क्यों नहीं, मम्मी के लिए भी बनाऊंगी, तेरे लिए भी, उसको भी, मुखियानी के लिए भी। कोई यही नहीं और कोई नहीं है नहीं। आई अपन तीनों के लिए। अब मेरा दोस्त आ रहा है उसके लिए बना देना। हाँ पोपट के लिए। हाँ दीपक ने बोला था आ गया शायद, वो आ ही गया तो आ चुका है। और शर्माते हुए हाँ भाई नौकरी वोकरी नहीं कर रहा क्या तू? तो बोल रहा थोड़ा बिजी हूँ मंडे को, संडे साले आज। अच्छा ठीक है ले आजा रख दे सामान, सामान पहले इसको बंद कर फिर दिखाता हूँ। क्यों भाई ऐसा क्या लाया है, ऐसा क्या लाया तू? तो इससे भी थोड़ी रिकमेंडेशन ले लेते हैं भाई, ये वाला वॉलपेपर लगाने की सोच रहा हूँ कैसा लगेगा यहाँ पे देख, पीछे दीवार पे देख एक बार लगवा रहा है। ओ माय गॉड ये थोड़ी बताना था, सॉरी सॉरी बीप कर जाऊंगा। बीप हो गया और नहीं है क्या? क्या कह रहा है यार? मुझे कुछ ऐसा ही मतलब थोड़ा बहुत प्लेन सा टेक्सचर है ना, और इतनी सी दीवार पे लगाना सिर्फ, कुछ और ऑप्शन में नहीं अपने, ऑप्शन थे पर यार कुछ सूटेबल नहीं लग रहा था। जबरदस्ती देख हाथ ला, जबरदस्ती हाथ ला रही है, कहीं हाथ इनके के लो लो ये ले। कौन सी आलू? ये वाली, ये मेरी है कम। चलो ठीक है बिस्किट नहीं हम नहीं खाएंगे, आप ले जाओ बिस्किट ले जाओ। ओके 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 भाई। और भाई गुड्डू घर पे आया है, मुझे मोबाइल अल्लाह मम्मी वापस चुप गई है, फोन पे बात करते करते अचानक से खुद को ढक लिया। हां भाई हां मम्मी हंसी मजाक चल रही है। गुड्डू ने एक बहुत बढ़िया मजाक मारा उसके बाद से मम्मी बिल्कुल पाली हुई है। कब करोगे शादी? मासी को हंसी आ रही पता नहीं क्यों, अभी की तोपो की सलामी थी मासी ने। लो बात चलो गुड्डू को देखो आया बस। अबे नहीं, अरे यार दोबारा ऊपर ढक गया। आया आया आ गया आ गया, क्या बात है क्या बात है गुड्डू यार क्या बात है। अरे ये ले तो फिलहाल तो गुड्डू और मैं निकल रहे हैं कुछ छोटा मोटा खाने, बाहर संडे है तो मैं सोचा आज तो चीट कर सकते हैं। और तो मैं यार बता दूं तो और ये सामान ले लिया गुड्डू के हाथ में पड़ा है, मेरी बहन जा रही है गोवा कल निकल रही है फ्लाइट है उसकी, तो उसको ये सामान फिलहाल पकड़ा देंगे, उसको यहाँ से चाहिए था। तो फिलहाल तो अंडे खाने आए हुए हैं, बॉयल अंडे मंगाया मैंने, अंडे अंडे गुड्डू अपने शरीर के हिसाब से सिर्फ एक अंडा ही खा रहा है। क्या खा रहा अंडे वगैरह तो खा लिए, अब शॉप पर जाएंगे और छोटा मोटा कुछ खाने जाएंगे, भाई को थोड़ी भूख लग रही है मुझे भी। कुछ बकरे का अंडा शॉप पर तो आ गए बैठे और अब मैं निकल रहा हूँ कुछ ना कुछ खाने। पापा क्या खिला रहे हो? मोचरे हिंदी में क्या, हिंदी में बताओ ना हिंदी में। चट एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानते हो? मंडे रोज खाओ डंडे। हाल तो हम शॉप से फ्री होने के बाद यहाँ पर आए हैं, ये क्या है ये चौपाटी है एंड इसके आसपास ही मैं आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखने लग जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वरना होगा मेरा इधर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हुई है अजमेर में मैं कह सकता हूँ। एक्चुअली क्या हमारी अनासागर लेक है और यहाँ से पूरा 360 में एक वो बन रहा है, क्या कहते हैं वॉकिंग के लिए बन रहा है, क्या बोलते हैं यार पाथवे कह सकते हैं। हाँ पूरा लंबा जा रहा है और इतनी बड़ी लेक है देख लो,
पूरा 360 इसका बनेगा और हर जगह से वॉक करने का बनेगा। डूब चुका है, उधर हैंडपंप दिख रहा होगा आपको, हैंडपंप देखो उधर, देखो उधर हैंडपंप है, हैंडपंप है, ये हैंडपंप है, ये हैंडपंप डूब चुका है। एक्चुअली पहले यहाँ पे जमीन थी पर ये धीरे धीरे पानी ऊपर आता जा रहा है। बस स्टैंड था पहले यहाँ पे अजमेर का। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना के धल जा रही हो, जरा पास आओ के चैन आ जाए, चैन आ जाए। हम तो थोड़ा बहुत पहले घूमने निकले थे पर दिक्कत यह है कि बहुत बारिश चालू हो गई, देख लो रोड भी पूरा गीला हो रहा है, तो हम भाग के रिटर्न आ गए। और फिलहाल शॉप पे खड़ा हूँ और अब यहाँ से डाइट की जो चीज़ लेनी है मुझे वो लूँगा और घर पहुँचूंगा। मेरे सब्सक्राइबर यहाँ भी तो कुछ हो नहीं पाया, बारिश हो गई थी और अभी मेरे छोटा भाई, ये मेरा कजन छोटा भाई है वैसे, गुड्डू का रियल भाई है ना, तो यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम खाने वाले हैं कुछ अच्छा सा बाहर से हम लेके आए हैं, मतलब मैं जो बर्ड चिकन लाया था उसकी जगह आज मैं चिकन बिरयानी लेके आ गया। संडे है, मैंने सोचा था हर वीक में एक बार चीट करूंगा आगे से ही, पर ऐसा जो मतलब बॉडी को बेनिफिट भी करे, तो चिकन बिरयानी बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी रहती है। सो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा हुआ था आज का डे, पर फिर भी ठीक है यार, अभी थोड़ा लाइफ ऐसे ही चल रही है। आगे मैंने वाले व्लॉग्स शायद इंटरेस्टिंग होंगे आगे कुछ दो तीन दिन के, कल वैसे मैं शूट पे जा रहा हूँ तो आपको शूट का वैसे आप तो एक दिन बाद ही देखोगे, तो मैं शूट पे जाऊँगा एंड वहाँ पर भी शूट करेंगे, हंसी मजाक होगी थोड़ी बहुत, वो शायद तक आपको इंटरेस्टिंग लगे कि मैं कैसे शूट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैं आपको स्नीक पीक दे दूँगा, बिहाइंड द सीन दे दूँगा। तो इतना ही आज के लिए, मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार अभी के अभी कर दो, और जो नए लोग हैं जो ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो, भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो तुम्हारा अलग से तुमको शाउट आउट भी दूंगा। थैंक्स अगेन, बाय, गुड नाइट।